खरगोन जिले के बड़वाह के महेश्वर रोड स्थित पशु चिकित्सालय में भारतीय देशी नस्ल की अधिकतम दूध देने वाली गाय और भैंस के लिए विकास खंड स्तरीय गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गोकुल भगवान के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने अपने संबोधन में पशुपालकों को अपने पशुओं के स्वास्थ्य और खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान भाई अपनी खेती करने के साथ ही पशुपालन कर अपने आय का स्रोत बेहतर बना सकते हैं। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बाबूलाल जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा किसान हित में पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं, जिसके अधिक से अधिक लाभ किसान वर्ग को लेना चाहिए। वहीं डॉक्टर हेरसिया बठोले एवं डॉक्टर किशन सेप्टा ने पशुओं को शराब फैक्ट्री से निकलने वाली भूसी खिलाना हानिकारक बताया है। इस भूसी के सेवन करने वाले पशुओं के दूध का सेवन करने वाले आम नागरिकों को कैंसर जैसे घातक बीमारियों का शिकार होने की बात भी कही। इस दौरान पेड़ाय खुर्द निवासी सोनू लीलाधर की गिर नस्ल की गाय ने प्रतिदिन सर्वाधिक 11.110 लीटर दूध देकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं बद्रीलाल प्यारेलाल की गिर नस्ल की गाय ने 9.943 लीटर प्रतिदिन दूध देकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा राम भरोसे बहादुर की जाफरवादी नस्ल की भैंस ने 13.830 लीटर दूध देकर प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि सुजीत सुरेंद्र जाट की मुर्रा नस्ल की भैंस ने 11.218 लीटर दूध प्रतिदिन देकर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। पिछले वर्ष होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में इस वर्ष स्वस्थ पशुओं की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। अभी अतिथियों ने बताया कि भूसी खिलाने से भैंस और गाय को मतलब नुकसान है, तो कितना नुकसान है इसमें? भूसी खाने से क्या है, भूसी में टॉक्सिक पदार्थ है जो लीवर को डैमेज करती है। यदि अति मात्रा में यदि खिलाई जाए तो वो नुकसान ही करेगी, क्योंकि दूध में उसके स्मेल आएगी। यदि कोई भी पशु किसी चीज़ को खाता है, उदाहरण के लिए प्याज लहसुन, तो उसकी स्मेल दूध में आती है। इसमें अभी वर्तमान में देखा रहा 80% किसान है जो भूसी का उपयोग कर रहे हैं खिलाने के लिए, तो इसमें अपने को रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए? रोकथाम के लिए हम किसान को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये चीज़ें न खिलाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके परिवार को और जहाँ आप दूध बेचते उन लोगों का भी नुकसान है। ये जो दूध में महक आ रही है अभी इन दिनों, ये क्या कारण है? दूध में उसी की महक आ रही है, जो उसी की वजह से महक आ रही है। मैंने बताया कि प्याज और लहसुन की आती है, इसी प्रकार उसी की आती है। ये दूध के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जनता पे? हाँ, साइड इफेक्ट बिल्कुल होंगे। किस प्रकार के होगा ना चाहिए? साइड इफेक्ट में क्या, उनका लीवर डैमेज होगा, इम्यूनिटी पावर कम होगा, और उसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी संभावित है उसमें। डॉक्टर साहब बताएं, आज आपने भूसी के विषय पे कुछ चर्चा की है, इस आयोजन में क्या कारण है? ये जो मुद्दा है, हमारे निमाड़ के क्षेत्र में शराब फैक्ट्री है जो ग्राम कोड़ी में है। इस यहाँ पर जो रॉ मटेरियल शराब फैक्ट्री से जो निकलता है वो कोई उपयोग विहीन है, उस चीज का उपयोग करना अनुचित है। हमारे इस क्षेत्र के किसान भाई बंधु पशुपालक जो यहाँ पर इस भूसी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि, और वास्तविकता है, यदि हम तकनीकी रूप से भी पशु चिकित्सक की सलाह से भी यदि हम उस पर बात करें तो पशुओं का उत्पादन बढ़ाता है जो भूसी वहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में जो निकलती है। लेकिन हमारे लिए जनहानि का जो मुद्दा है वो भयानक है। भविष्य में हमारा निमाड़ की गरीब जो जनता है वो कोई भयानक त्रासदी से ग्रसित न हो, ये जो मुद्दा है मैं शासन के समक्ष रखूंगा। हमारे गरीब लोगों, जो गरीब लोग हैं, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जवाबदारी बनती है। मैं प्रशासक से मांग करूंगा कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, जो वेस्ट है, उसका उचित तरीके से निष्कासन किया जाए, न कि ये बेचे, और इस बाबत में कार्रवाई करने के लिए प्रशासक को सूचित करूंगा। इसमें नागरिकों का कहना है कि दूध में भी महक आती है भूसी खिलाने वाले जानवरों, बिल्कुल वास्तविकता है। आप इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं, दुर्गंध रहती है, लेकिन
आज तक जो पूर्व शासन ने इस ओर किसी इस ओर मुद्दे का किसी का निराकरण नहीं किया गया, इस ओर किसी का ध्यान नहीं दिया गया है और व्यापारिक दृष्टि से अपने व्यवसाय दृष्टि से कुछ स्वार्थवश तत्वों ने इसको व्यापार व्यवसाय बना के रखा है। शासन से मांग करूंगा कि इस ओर निराकरण करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।